वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं यार, तुम मार रहे हो। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो आज है 16 तारीख और आज है संडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और हस्बैंड जा चुके हैं काम पे और रियांश कल मम्मी और भाई आए थे हस्बैंड को समझाने के लिए। तो हस्बैंड मान तो गए अभी, लेकिन 6 महीने का मोहलत मिला है मुझे कुछ करने का, तो इसलिए तो रियांश मम्मी के साथ में जाने के लिए रो रहा था, उसे नानी के साथ ही जाना था। तो रात को मम्मी और भाई चले गए रियांश को लेकर, तो अभी मैं निकलूँगी नहा धोकर सुबह 12 बजे तक। और भूख लगी है तो रास्ते में देखते कुछ खाएंगे। और मीशो जाएगी साथ में और मीशो की भी कल दोपहर से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, रात को दवाई दिला के लेके आए हैं और फीवर था 103 का फीवर था और बिल्कुल भी मॉर्निंग से मेरा दूध भी नहीं ले रही थी, ये इतना ज़्यादा फीवर था। तो चलिए अभी तक थोड़ा सा ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन अभी भी फीवर है। सुबह मॉर्निंग में मैंने दवाई दे दी थी। तो फुल डे रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, तो ब्लॉग में बने रहिएगा और नहा धो के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मैं मिशो को फ्रेंड्स मैंने नहा लिया है और आप देख सकते हो थोड़े से बाल गीले हैं, थोड़े से के पूरे बाल गीले हैं। और जा रही हूँ मैं गेट रेडी विथ मी शूट करने के लिए, वो भी शॉर्ट्स के लिए। तो वो मेरे शॉर्ट्स वाली वीडियो अलग से आएगी और ये लॉन्ग अलग से, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं बताने वाली, मैं शॉर्ट्स वीडियो अलग से शूट करूँगी तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए रेडी होते हैं और मैं वेयर करने वाली हूँ सूट एंड जीन्स। तो चलिए गेट रेडी विद मी शूट करते हैं। सो फ्रेंड्स मैं जैसे ही गेट रेडी विद मी शूट करने लग गई तो मीशू उठ गई है और देखो कितना रोई है, कितना रोई मीशू डिकाडो, कितना एकदम से डर के उठी है। तो इसको साथ में लेके ही मैं गेट रेडी विद मी शूट करने वाली हूँ। तो लगता है इसको साथ में लेके ही मैं थोड़ा बहुत जो भी मेकअप करूँगी, बेसिक मेकअप करने वाली हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं करने वाली, तो वो इसको साथ में लेके ही करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 12:30 होने वाले हैं और मैं सोच रही हूँ 12:30 कल जाऊँ। तो जल्द जल्द 10 मिनट लूँगी, अमीश को भी तैयार करना है, थोड़ा सा फिट कराऊँगी उसके बाद निकलूँगी। तो चलिए सो फ्रेंड्स 1 बजने वाले हैं और मैं और मीशू हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हो है ना मीशू। चले तो हम दोनों जा रहे हैं रियांश मतलब मम्मी के पास, अपनी ये मीशू जा रही है नानी के पास, मैं अपनी मम्मी के पास रियांश को लेने, और क्योंकि फिर कौन पकड़ेगा इसलिए जा रहे हैं। हाँ तुम नहीं, मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रहा, लो करो मीशू से भी बात कर लो आप लोग कर लो। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद मैं ऑटो में बैठने के बाद ही आप लोगों से मिलूँगी, व्लॉग में आगे बने रहिएगा। डेढ़ बज गए थे तो 1:30 बजे मैं निकली थी और काफ़ी कड़क धूप हो रही थी और ऐसी धूप हो रही थी जैसे चुभ रही हो धूप। और मीशू को भी मैंने फुल पहना रखा था क्योंकि ना धूप उसको चुभती है तो बहुत रोती है और काफ़ी ज़्यादा रो भी रही थी और पूरे रास्ते रोते हुए गई है। मेट्रो में बस थोड़ी सी चुप रही थी क्योंकि मेट्रो में थोड़ा ठंडा ठंडा था। हाँ हाँ अरे ना फोन तो करना चाहिए था, नहीं आ रहे ना काम पे डांस क्या अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तू कौन सी चल रही है? लगभग चल कर पहले कौन सी चल रही है? मेट्रो सन्नी मामू हूँ, नहीं पहचान ले, पहचान नहीं ले आप, आपने पहचान ये मीशु मेरी बेटी, मेरे को क्यों मार ले हो? भैया ने सिखा दिया क्या? रिया भैया ने सिखा दिया, हाँ रियाज के नाम लेते मार रहे, रियाज भैया ने सिखा दिया, रियाज भैया
रियाज भैया ने सिखाया ना, है ना, मुझे पता है वही सिखा सकते। अरे मेरी बेटी आया ठोक लग गया। तो यहाँ 9:30 हो रहे थे और 9:30 के करीब हस्बैंड तो आ गए थे 9 बजे, फिर खाना वाना खा के 9:30 निकल गए थे। और ये काफ़ी प्यारा लगता है ये साइड मुझे रोड का। और अगर आप लोग भी दिल्ली के हो तो आप लोग बताना ये किस साइड का रोड है और किस जगह पे पड़ता है अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो तो। और उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद फिर ये थोड़ा सा अंधेरा सा आ गया था। मैं फिर यहाँ पे मुझे ना ज़्यादा लेट नाइट बाहर निकलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे ना दुकानों का सारी बंद हो जाती है। 10 बजे ही बंद हो चुकी थी और यहाँ पे ये बैन कट और आ रहा था तो फिर मैंने ये शूट कर लिया था। और यहाँ पे शादियाँ जितने भी बैन कट थे सारे में शादियाँ हो रही थी। ये शादी वाला हॉल है और काफ़ी प्यारा लग रहा था, देख सकते हो डेकोरेशन के बाद। तो यही तक वीडियो था, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही व्लॉग आपको पसंद है तो बेल आइकन प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।